आज पिछले हफ्ते जो फ्लड आया था, बहुत भयंकर फ्लड आया था, तो उसमें पूरे स्टेट, पूरा हमारा राज्य प्रभावित हुआ था। और पहली बार जो गोमती रिवर अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर चल रही थी, तो पहली बार वो क्रिटिकल लेवल के नीचे आई है। आज जो है इसका लेवल क्रिटिकल लेवल से नीचे, लेकिन अभी भी जो फ्लड लेवल होता है उसके ऊपर है। आज की डेट में 369 यानी 369 रिलीफ कैंप चल रहे हैं, जिसमें 53,356 पर्सन्स अभी भी शेल्टर लिए हुए हैं। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 19,000 लोग शेल्टर से अब अपने घर चले गए हैं। इसके अलावा जो है फूड पैकेट, जो लगभग लगभग हम लोगों ने अभी तक 27,000 फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी शेल्टर कैंप्स हैं वहाँ ड्रिंकिंग वाटर, खाने का सामान और जो भी मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। आज की डेट में 3 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम और 2 जो है टीमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम रिलीफ ऑपरेशन में 2 डिस्ट्रिक्ट गोमती और सिपाहीजला में काम कर रही हैं। हमारे 500 वॉलंटियर्स जो सिविल डिफेंस और आपदा मित्र से, वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं रिलीफ ऑपरेशन में। जो हमारा अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हुई है वो 31 पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है, उसके अलावा 2% इंजर्ड है और 1% इज रिपोर्टेड टू बी मिसिंग, अभी भी मिसिंग है। सिचुएशन मैंने जैसे कल भी आपको ब्रीफ किया था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। कल मैंने भी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ मीटिंग किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, और बाद में शाम को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने भी एक हाई लेवल मीटिंग किया था, जिसका हमने कल आपको ब्रीफ दिया। और उनकी जो डायरेक्शंस थी उस डायरेक्शन पे ऑलरेडी हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने और हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और अभी हम लोगों का फोकस है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर और जो हाउस का जो डैमेज है उसका असेसमेंट, और जो इंस्टेंट रिलीफ हो, जो डिसीज्ड हो, इंजर्ड, उनको रिलीज़ किया जाए, तो उस पर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और 1-2 दिन में रिलीफ भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, स्पेशली गोमती और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ में ऑलरेडी शुरू हो चुका है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अर्बन एरिया के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि इस समय जो फ्लड आया था उसमें करीब 32,000 लोगों को अर्बन एरिया में यानी कि इवैक्यूएट कराया गया था और उनको शेल्टर कैंप में रखा गया। उसके बाद उनको खाना था या पानी था या मेडिकल केयर जो भी दिया गया। इसके अलावा पानी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जैसे मैं बताया ड्रिंकिंग वाटर पे, तो जो हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और 11 डीप ट्यूबवेल जो अगरतला में हैं वो सारे फंक्शनल कर दिए गए हैं। इसके अलावा 9 वाटर टैंकर्स हैं, 9 जो हैं जो डिप्लॉय हमने कर दिया है, और जहाँ जहाँ भी पानी अगर साफ या लाइन से ब्लॉक्ड है तो वहाँ पर पानी देने के लिए 9 वाटर टैंक्स को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो जो डी क्लॉगिंग और डी वाटरिंग है, एक्चुअली क्या होता है आप जानते हैं फ्लडिंग में पूरी पाइपलाइन में कीचड़ फंस जाता है, तो उसका काम भी शुरू कर दिया है और होप करते हैं कि 2-3 दिन में सारी लाइन जो स्पेशली जो सिटीज़ में वो सारी क्लीन हो जाएंगी। इसके अलावा जो सिटी को क्लीन करना है, कचरा हटाना, ये सब के लिए भी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक वेस्ट मैनेजमेंट SOP जो है फॉर सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिस इशू किया है, और वो सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉलो करेंगी। और अर्बन डिपार्टमेंट के हिसाब से ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट हुआ जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो डैमेज हुआ वो करीब करीब 300 करोड़ से ऊपर है, 306 करोड़ से के आसपास उन्होंने असेसमेंट किया है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसा मैंने पहले भी ब्रीफ किया था कि उनका जो सैनिटेशन और हेल्थ पे जो फोकस है वो जारी है, और अभी तक जो है 1107 रिलीफ कैंप में 35,477 लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा चुका है। इसके अलावा इनके रिलीफ कैंप के बाहर भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी तक टोटल 1650 हेल्थ कैंप्स किए हैं, जिसमें 35,477 जो है ये फिगर थोड़ा डिफरेंट होगा, ये मेरे ख्याल से 40,000 होगा, ये थोड़ा मेरी मिस्टेक हो गई, इसको छोड़ दीजिए, तो मोर देन 40,000 लोगों को ट्रीटमेंट किया है। इसके अलावा जैसे कल मैंने बताया था कि हम लोग 2,00,000 ORS पैकेट्स और 2,000 जो है पैकेट्स थे ब्लीचिंग पाउडर के खरीद रहे हैं, उसका स्टॉक कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो डिसीजन हुआ जिसमें 2,00,000 हैलोजन टेबलेट्स और करीब 1,00,000 जिंक टेबलेट्स का स्टॉक किया जाएगा, खरीदा जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम होगा, जिससे कोई भी अगर बीमारी हो कुछ भी उसको हम टैकल कर सकें।